आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 1000 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 10 बजे के बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। डीआईजी के निर्देश पर गोरखपुर मंडल के सभी थानों में दर्ज एफआईआर की कॉपी अब पुलिस पहुंचाएगी वादी के घर। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने की बैठक। कहा, शासन की योजनाओं का किया जाए व्यापक प्रचार प्रसार, उद्यमियों की समस्याओं का अधिकारी शीघ्रता से करें निस्तारण। नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रिका यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय व भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमिक समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, अनंत संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है नई शिक्षा नीति। मंगलवार को हरतालिका तीज के दृष्टिगत महिलाओं ने पूजा के सामानों की खरीदारी, हाथों पर लगवाया मेहंदी। महिलाओं ने कहा, पति के लंबी उम्र के लिए रखा जाता है हरतालिका तीज का व्रत। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ के स्मृति में व्याख्यान माला के पांचवें दिन राजनीति विज्ञान व नाथ पंथ राष्ट्र चिंतन एवं राष्ट्र निर्माण पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना का जनक है नाथ पंथ। दीवानी न्याय परिसर का सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कैंट पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सीसीटीवी सिस्टम को किया चेक, न्यायालय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चोरी के आरोप में एक अभियुक्त रक्षा बासफोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 25 किलो का एंगल व 6 किलो एल्युमिनियम का तार किया बरामद, भेजा जेल। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के नव निर्वाचित प्रांतीय पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। नव निर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, चुनौती के साथ जिम्मेदारियों का करूंगा निर्वहन। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर जनपद में जोरों से बनाई जा रही है भगवान गणेश की मूर्तियां। मूर्तिकारों ने कहा, महंगाई की वजह से छोटे गणेश जी की मूर्ति की है ज्यादा डिमांड, बड़े गणेश जी की मूर्ति की बहुत कम हो रही है बिक्री। और राष्ट्रीय खेल दिवस एवं स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। विजयी खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। कहा, प्रतिभावान खिलाड़ियों को इस सरकार में सरकारी नौकरी भी है पक्की।